Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wala ahlihi washabihi ajmain amma ba'd. मैं आप तमाम बच्चों का और बड़ों का इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम कलर ऑफ इस्लाम। आज हम इंशाल्लाह फरिश्तों के बारे में, एंजल्स के बारे में इंशाल्लाह और बातें देखेंगे, और देखने के बाद उसमें से हम सब क्या सीखते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे, और लास्ट पोर्शन में इंशाल्लाह होने वाला है सवाल और जवाब। इसी वजह से ध्यान से सुनिए ताकि आपको सही बात भी पता चले और ताकि आप सही फिंगर उठा सको सही जवाब देने के लिए इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने फरिश्तों के बारे में जो सीखा था लास्ट प्रोग्राम में, वो क्या सीखा था, क्या चीज से अल्लाह ताला ने बनाया फरिश्तों को? नूर से। और हमने क्या देखा कि फरिश्ते रहते हैं कहाँ? आसमानों में, और अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फरिश्ते होते हैं। हमने ये देखा कि फरिश्ते बहुत सारे होते हैं। आप इमेजिन करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो ये टेबल है, ये टेबल पे आप लोग सब बैठे हैं कुर्सी पर, लेकिन अगर आप लोग सब टेबल पे चढ़ जाओ, हाँ, और ये टेबल पे 10-15 बच्चे और चढ़ जाए, तो क्या हाल होगा टेबल का? टूट जाएगा या कुछ नहीं, टूटा नहीं तो कड़कड़ आवाज आएगी। हाँ हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बहुत प्यारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान जैसे कि क्रीक कर रहा है, जैसे क्रीक करने लगेगा, आवाज करने लगेगा, जैसे कि आवाज कर रहा है, क्योंकि आसमान में कोई एक बालिश्त मालूम है, स्पैन, एक स्पैन होता है ना, एक स्पैन की जगह नहीं है, लेकिन उसमें कोई फरिश्ता है जो सजदा कर रहा है। कितने सारे फरिश्ते हैं। और हम लोगों ने देखा कि फरिश्तों में ऐसे भी फरिश्ते होते हैं जो दुनिया में घूमते हैं, और जहां कहीं कोई अच्छी जिक्र की बात हो रही है, कुरान और हदीस की बात हो रही है, इल्म की बात हो रही है, वहां पर वो जाकर सुनते हैं। बहुत सारे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे काबा जमीन पर है, ऐसे बैतुल मामूर है आसमानों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के लिए जाया गया था, जो सफर पे गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पर बैतुल मामूर को देखा था, और उन्होंने बताया कि वहां पर डेली रोज 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और एक बार 70,000 को चांस मिला, उन्हें फिर से जिंदगी में कभी चांस नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट डे दूसरे 70,000 आएंगे, उसके तीसरे दिन तीसरे 70,000 आएंगे, ऐसे रोज 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 फरिश्तों को एक बार जिंदगी में चांस मिलता है, बस इतने सारे फरिश्ते हैं। और हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मिलती है कि कयामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा, और जहन्नम को रस्सियों से बांध करके लाया जाएगा, और टोटल 70,000 रस्सियां होगी, हर रस्सी को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। यानी कितने फरिश्ते हो गए? 70,000 × 70,000, यानी कि तकरीबन 490 करोड़ से ज्यादा फरिश्ते होंगे। इतने सारे फरिश्ते सिर्फ जहन्नम की को लाएंगे, इतना बड़ा होगा जहन्नम, और उसे लाया जाएगा। और हम लोग ये देखते हैं कि इतने सारे फरिश्ते हैं और हम लोग इंसान भी हैं, हमारा तो क्या चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, तो हम में से बहुत सारे लोग हैं इंसान जो नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, और बहुत सारे इंसान होते हैं जो बुरे होते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं। हमें कौन से बनना है? अच्छे बनना है। देखो इतने सारे फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इतने सारे कर रहे हैं, अगर हम लोग भी वैसे करेंगे हम कामयाब हो जाएंगे। हाँ, अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत है? नहीं, हमें ही ज़रूरत है कि अल्लाह हमें मौका दें, हम अल्लाह की इबादत करें। हाँ, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होती तो फरिश्ते इतने सारे हैं इबादत करने के लिए अल्लाह की, हमारी इबादत की क्या ज़रूरत है अल्लाह को? आपकी नमाज की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कि हम नमाज पढ़ें, है ना, हम सबको ज़रूरत है कि हम नेक बने। देखो बच्चों, याद रखो, सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, सब चीज़ यहाँ मौजूद है, इतने सारे फरिश्तों को अल्लाह ने बनाया, क्या ये निशानी नहीं है सोचने वालों के लिए? इतने सारे फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, क्या हम ऐसे नहीं बन सकते, अच्छे इबादत करने वाले बन नहीं सकते हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले? हाँ, तो आज हम ये देखेंगे कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने जो बनाया, क्या आपको पता है फरिश्तों को कैसे बनाया? कुरान की सूरह फातिर की आयत है, सूरह 35 आयत नंबर 1, अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को परों के साथ बनाया। पर होते हैं ना, पर विंग्स, 2 या 3 या 4, और अल्लाह जैसा चाहता है बनाता है। और सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था जिब्रील को। आपको पता है जिब्रील कौन है? जिब्रील अलैहि सलाम कौन है? वो बहुत स्ट्रांग है, और क्या अल्लाह ताला के पास से वही पहुंचाते हैं।
देखिए अल्लाह ताला के पास से जो वही है ना, अल्लाह की बात जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक या नबियों तक किसने पहुंचाया? जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम वही पहुंचाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था जिब्रील को, और जिब्रील के पास 600 विंग्स थे, और एक एक विंग बहुत बड़ा कि पूरा आसमान जैसे कि कवर्ड, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पूरे आसमान तक फैले हुए थे उनके पर। अब नॉर्मली जो पर होते हैं ना, हम लोगों ने कौन से जानवरों में पर देखा है? बर्ड्स, बर्ड्स में, बर्ड्स के पर होते हैं। गल। हाँ, अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप के पर होते हैं, लेकिन फरिश्तों के पर कैसे होते हैं? ऐसे व्हाइट। हाँ, व्हाइट। फरिश्तों के पर कैसे होते हैं हमें नहीं पता, फरिश्तों के पर कैसे होते हैं हमें नहीं पता, अल्लाह जानता है। हम तो बर्ड्स के पर देखते हैं, लेकिन फरिश्तों के पर हमें नहीं पता। बर्ड्स के पर क्या चीज के होते हैं? फेदर टाइप का ना, फेदर होता है, बर्ड्स के फेदर होते हैं, लेकिन फरिश्तों के पर फेदर के होते हैं वो भी हमें नहीं पता। कैसे होते हैं? क्योंकि गैब है ना, अनसीन। आपने देखा है किसी फरिश्ते को? देखा है? हाँ, यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हम लोग फरिश्तों को देख सकते हैं? नहीं। हाँ, नहीं। फरिश्तों को उनकी असल शक्ल में हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन फरिश्ते कभी कभी इंसान की शक्ल में आ सकते हैं। आपको पता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसान के रूप में आए थे? यस, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसान की शक्ल में आए थे। दिहिया कल्बी नाम के एक सहाबी है जिनकी शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, और कभी किसी बद्दू की शक्ल में। जैसे एक बार क्या हुआ कि सहाबा बैठे थे, उमर रदिल्लाहु अन्हु बताते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, कि एक शख्स आया, बहुत सफेद कपड़े और बाल बिल्कुल काले, और वो हालांकि सफर से आया था लेकिन सफर के कुछ निशान नहीं दिख रहे थे, और उसने आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़े सवाल पूछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवालों का जवाब बताया, और लास्ट में जब वो चला गया वो शख्स, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो फरिश्ते कभी कभी इंसान की शक्ल में भी आ सकते हैं, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के सामने इंसान की शक्ल में आए थे, मैन की शक्ल में। और हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब वो गेस्ट आए, मेहमान आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उनके लिए खाना तैयार करके उनके सामने रखा, तो ये मेहमानों ने खाए नहीं, नहीं खाया। तो जब कोई खाना नहीं खा रहा है, मतलब कि क्या दुश्मन है वो, इसलिए नहीं खा रहा है? तो हम देखते हैं कि उन्होंने बताया कि हम फरिश्ते हैं, इंसान की शक्ल में आए हैं, और हम एक काम के लिए भेजे गए हैं। और फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि आपके घर में बच्चा होने वाला है। इससे पता चलता है कि फरिश्ते खाना नहीं खाते हैं, फरिश्ते खाना नहीं खाते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली खाना खाते हैं ना, वो फरिश्तों ने खाना नहीं खाया। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया और हमसे अलग बनाया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में आपने क्या देखा, कितने बिग, हाँ, कितने स्ट्रॉन्ग, कितने पावरफुल। आप मिसाल देखो कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की, वो लोगों ने बहुत गलत गलत काम किए, लास्ट में जाकर जब उनकी सजा आई ना, तो जिब्रील ने पूरे के पूरे उस शहर को उठा करके पटक दिया। पूरा शहर उठा करके पटक देना एक फरिश्ता जिब्रील, हाँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप इमेजिन करो अल्लाह ताला के पास कितना पावर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतने सारे फरिश्तों को बनाया है, और अल्लाह ताला की मर्जी से वो लोग करते हैं, और अल्लाह की मर्जी होती ताकत होती, फरिश्तों की मर्जी नहीं होती, फरिश्तों की ताकत नहीं होती। ताकत वाला कौन है? अल कवी, अल्लाह है। ताकत वाला कौन है? अल्लाह है। आप अगर अल्लाह के साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे ना, तो ये पूरी दुनिया आपकी मदद के लिए है, सारे फरिश्ते आपके साथ है। और अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो थोड़े टाइम के लिए गलत काम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में किसके पास जाएंगे? अल्लाह के पास जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम पैदा हुए तो माँ की कोख में भी वहाँ पर फरिश्ते ने आकर हमारे अंदर रूह डाली थी अल्लाह की मर्जी से। पैदा हुए, पैदा होने के बाद में राइट साइड पे एक फरिश्ता है, लेफ्ट साइड पे फरिश्ता है, हाँ, और आगे फरिश्ता है प्रोटेक्शन के लिए, पीछे फरिश्ता है। सूरह रौद, सूरह 13 आयत नंबर 11 में जो दिया है। और हम क्या देखते हैं कि फरिश्तों में वो ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छे काम करो, सही मुस्लिम की हदीस में आया है। और क्या हमने देखा कि फरिश्तों में अल्लाह ताला ने जिब्रील को मुकर्रर किया जो अल्लाह के पैगाम को नबियों तक पहुंचाते हैं। हाँ, नबियों तक पहुंचाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की बातें कैसे पहुंची? अल्लाह ताला की बातें जिब्रील पहुंचाते थे। हाँ, जिब्रील ने वही पहुंचाई। कुरान जो हम तक पहुंचा वो कैसे आया? जिब्रील थोड़ी 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 आयतें करके कहां पे पहुंचाए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हुआ,
और इस तरह से हमें सही रास्ता पता चला। नहीं तो हमें सही रास्ता कैसे पता चलता, हमें कैसे पता चलता कि क्या सही रास्ता है, ये सही है, ये गलत है, ये हलाल है, ये हराम है, ये तौहीद है, ये शिर्क है, हमें कैसे पता चलता? अल्लाह ताला ने बताया, अपने नबियों के जरिए बताया, नबियों के पास फरिश्ते आए, है ना। फरिश्तों में हम देखते हैं एक फरिश्ते है मिकाइल, और मिकाइल के बारे में अलग अलग स्कॉलर्स ने बताया, क्योंकि ऐसे भी फरिश्ते हैं जो बारिश को कंट्रोल करते हैं, हवाओं को कंट्रोल करते हैं, बादलों को कंट्रोल करते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, फिक्स किया है, जो ये सबको कंट्रोल करते हैं। तो मिकाइल के बारे में बताया जाता है कि वो है जो ये तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं अल्लाह की मर्जी से। बारिश किसकी मर्जी से आती है? अल्लाह की मर्जी से। आपने देखा है कई बार बादल आते हैं, आकर के चले आते हैं, बारिश नहीं होती है। बारिश तब होगी जब अल्लाह की मर्जी होगी। कई बार बादल ही नहीं आएंगे, हाँ, कई बार बारिश ही नहीं होगी, कई बार बहुत ज्यादा बारिश होगी, बहुत ज्यादा थंडर होगा, सुना है आपने, हाँ। तो हम देखते हैं कि फरिश्ते हैं जो बारिश को भेजते हैं, थंडर को कंट्रोल करते हैं, कई सारी चीजें। तो बच्चों आपको पता है अलग अलग चीजें जो कंट्रोल में है ना, पहाड़ देखा आपने, पहाड़, हाँ। पहाड़ों का भी फरिश्ता होता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ताइफ, और ताइफ में जहां पर गए थे उन लोगों को कहा सही बात, अल्लाह की बात, सच्ची बात, अल्लाह पर ईमान ले आओ, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, इस बात पर ईमान ले आओ। तो फिर क्या हुआ, ताइफ वालों ने ईमान लाया नहीं लाया, और यहाँ के बच्चों ने बहुत गलत काम किया था। क्या किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारे थे, यहाँ तक कि खून निकला था और बहुत तकलीफ हुई थी, पैर के जूते में तब भी जाकर खून जमा हो गया, इतना खून निकला था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कितनी तकलीफ से उन्होंने हम तक वो सच्ची बात, सही बात पहुंचाई, है ना, बहुत तकलीफ से पहुंचाई। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से निकलकर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद वहां पर जिब्रील आए, और उनके साथ में पहाड़ों का फरिश्ता था। सही बुखारी की हदीस है, पहाड़ों का फरिश्ता था। वो पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा कि अगर आप मुझे हुक्म दो तो मैं ये पूरे के पूरे शहर को पहाड़ों के बीच में दबा करके खत्म कर दूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं बुलाई, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये लोग नहीं तो कम से कम इनकी औलाद जो होते हैं ना, ये जो इनके बच्चे जो होंगे ना, वो लोग ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत थे, है ना, हमें वही सिखाया उन्होंने। तो पहाड़ों का भी फरिश्ता है, और अल्लाह ताला ने बताया कि जब लास्ट में इंसान का मरने का टाइम आता है, जब हम बस मरने वाले हैं, तब वो टाइम पर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कुरान में सूरह फुसिलत में है, सूरह 41 आयत नंबर 30, कि यकीनन वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, सुम इस्तक़ामू, फिर उस पे जमे रहते हैं, फर्म रहते हैं, जमे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, हाँ, फर्म रहते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है। जब मरने वाले हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, अल्लाह तखाफू, डरो मत, वला तहज़नू, गम मत करो, वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारे लिए खुशखबरी है जन्नत की जो तुम्हें वादा किया गया था, तुम्हारे लिए खुशखबरी है जन्नत की जो तुम्हें वादा किया गया था। और हम देखते हैं कि फरिश्तों में एक फरिश्ता है मलकुल मौत, जो आता है जान लेने के लिए, हाँ, जान लेने के लिए, और मोमिनों के पास से जान बहुत अच्छे अंदाज में लेता है, हाँ, मोमिनों की जान बहुत प्यारे अंदाज में लेता है, जैसे कि पानी का बूंद मशकीजे से टपकता है स्मूथली, इस तरह से मोमिन की रूह निकलती है। तो हम देखते हैं कि जो कुफ्र करता है, इनकार करता है, उसकी रूह कैसे निकाली जाती है, जैसे कपड़े के अंदर से तार खींच करके निकाले, जो तार अगर फंसे हुए और खींच के अंदर से निकले, उसके उसके अंदर से सारे सारे धागे फट फट के निकलेगा, जिस तरह से, उस तरह से बहुत बुरी तरह से रूह निकाली जाती है, सजा है उसकी, हाँ, और फरिश्ते उसके चेहरे पे मारते हैं, सजा देते हैं उसको अल्लाह की मर्जी से। और हम क्या देखते हैं कि जहन्नम की आग के ऊपर मालिक नाम का एक फरिश्ता है, मालिक, हाँ, जो जहन्नम की आग के ऊपर दारोगा है, दारोगा यानी कि वो वहां पर गार्ड है। और हम देखते हैं कि जहन्नम के अंदर कुरान की आयत है सूरह मुद्दस्सिर की, कि अलैहा तिस अताशर, उसके ऊपर 19 फरिश्ते फिक्स है जो अजाब देने के लिए, सजा देने के लिए।
غلازن شدادن اللہ تعالیٰ نے بتایا, جو بہت سخت دل ہوتے ہیں, بہت سخت ہوتے ہیں, ہارش ہوتے ہیں وہ, کیونکہ انسانوں میں جو انسان غلط کام کریں گے کیا بچ جائیں گے؟ غلط کام کر کے کیا بچ جائیں گے؟ کیا ان کو اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ ہاں, تو یہ بہت ضروری ہے بیٹا. وہ جہنم کی آگ ریئل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا ہے, وہ فرشتے بہت سخت عذاب دیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جنت جائیں گے تو جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کو وہاں ریسیو کریں گے, سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, ہاں تم نے کتنا اچھا کیا. لیکن جہنم کی آگ میں جب لوگ پہنچیں گے تو وہاں پر وہ سخت سزا کی انفارمیشن دی جائے گی, اور فرشتے وہاں پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس علم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ اور وہ کہیں گے قالوا بلا قد جانا نذیر, کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے. جو غلط کام کرتے ہیں نا وہ کہیں گے ہاں ڈرانے والے تو آئے تھے ہمارے پاس, پیغام دینے والے لوگ آئے تھے, لیکن ہم نے پھر بھی غلط کام کیا, فکذبنا, ہم نے جھٹلایا. تو ہم دیکھتے ہیں فرشتے وہاں پر جنت کے گیٹ پہ بھی ہوں گے, جہنم کے گیٹ پہ بھی ہوں گے, اور جنت کے اندر انعام ملے گا اور جہنم کے اندر سزا ملے گی. اور دو فرشتے ہیں جن کا نام ہے منکر اور نکیر. یہ آتے ہیں کہاں پہ معلوم ہے آپ کو؟ کہاں پہ آتے ہیں معلوم ہے؟ قبر میں آ کر وہ ہلاتے ہیں. اور یہ جو بہت سٹرکٹ ہوتے ہیں منکر نکیر, بہت سٹرکٹ ہوتے ہیں, بلوئش بلیک کلر کے ہوتے ہیں یہ فرشتے, بلوئش بلیک کلر کے. ہلا کر کے پوچھتے ہیں من ربک, کون ہے تمہارا رب؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کون ہے تمہارا رب؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہمارا رب ہے. من نبیک, کون ہے تمہارا نبی؟ محمد رسول اللہ. وما دینک, کیا ہے تمہارا دین؟ الاسلام. ہاں, تو ہم دیکھتے ہیں یہ بہت سٹرکٹ پوچھ تاچھ ہوتی ہے, کہاں پر؟ گریب میں, قبر میں. اور دو فرشتے ہیں جن کا نام ہے ہاروت اور ماروت. اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا. یعلمون الناس السحر, یہ دو فرشتوں نے جادو سکھایا انسانوں کو, اور سکھانے سے پہلے کہا انما نحن فتنہ, ہم لوگ آزمائش ہے, فلا تکفر, کفر مت کرو, یہ سیکھنا کفر ہے. ہاں, ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم, انہوں نے وہ سیکھا جس سے ان کو نقصان ہوا, فائدہ نہیں ہوا. تو ہاروت ماروت ایک آزمائش والے فرشتے ہیں. کیا ہے وہ؟ اتنے ریپیٹ کرو, منکر نکیر گریو میں, ہاروت ماروت آزمائش کے لیے فرشتے, جو جادو سکھایا لیکن ایک آزمائش کے طور پر. آپ کو پتا ہے کئی بار ٹیسٹ ہوتا ہے, جو چیز منع ہوتی ہے وہی سامنے آ جاتی ہے. یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے لیکن آپ کی بیگ میں آ گئی بائی مسٹیک, ابھی کیا کریں گے؟ جس کی ہے انہیں دے دیں گے. ہاں, لیکن ہوتا ہے کبھی امتحان کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے. تو بچوں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں, اور ایک فرشتہ ہے صاحب سور, جو سور والا فرشتہ, جو کیا کرے گا فرشتہ؟ بلو کرنے والا ہے, سور پھونکنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیسے اطمینان سے رہوں جب صاحب سور نے اپنے پیشانی کو آگے کر لیا اور سور کو اپنے منہ پر لگا لیا, اور جب وہ سور پھونکے گا تب یہ دنیا پوری طرح سے, جو کچھ دنیا میں سب ختم ہونے لگے گا, سب چیز آہستہ آہستہ اس وقت پر ختم ہو جائے گی. تب وہ زلزلے آئیں گے, وہ سمندر ابل ابل کر باہر نکلے گا. تو ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کو آٹھ بہت پاورفل اور اسٹرانگ, بہت بڑے اور بہت عظیم فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے, آٹھ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے الگ الگ رولز ہیں. فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہے تاکہ ہمیں یا تو انعام ملے یا تو سزا ملے, فائنلی اللہ کی مرضی ہے. اور فائنلی یہ بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ کی مرضی وہ لوگ مانتے ہیں. لیکن بچوں یہ بتاؤ, آپ لوگوں نے فرشتوں کے ٹاپک سے سیکھا کیا 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 سیکھا؟ چلو بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے, نمبر ون, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے, نمبر دو, اور اللہ کا حکم ماننا چاہیے, اللہ کا حکم ماننا چاہیے, فرما برداری کرنی چاہیے. اور کیا سیکھا؟ ہاں, کیا کیا سیکھا بتایا؟ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ کی بات سننا چاہیے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو فکس کیا ہے, مقرر کیا ہے, ہاں وہ فرشتے, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم لوگ یہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, تو ہم لوگوں کو ایسی جگہوں پر جانا چاہیے جہاں اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے ملے, غلط چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ غلط چیز کریں گے تو رحمت کے فرشتے ہمیں چھوڑ دیں گے اللہ کی مرضی سے. اور ہمیں پروٹیکشن مل رہا ہے, باڈی گارڈ ہوتا ہے نا, کوئی باڈی گارڈ اگر آپ کے ساتھ میں ہو, ریڈی میڈ گنز لے کر ریڈی, اس سے پاورفل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو مقرر کیا. پاورفل ہے, اسٹرانگ ہے فرشتے.
अल्लाह ताला ने इतने स्ट्रॉन्ग फरिश्तों को एक एक पर्सन को दिया, लेकिन हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। हाँ, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, और गैब की दुनिया है ये अनसीन दुनिया है, लेकिन रियल दुनिया है जो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हाँ, तो बच्चों ये सब देखने के बाद अब वक्त आ गया है एक क्विज का, सवाल और जवाब का। सारे बच्चे रेडी हो जाइए, तो आइए हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चों के पास दो दो बॉल्स, एक ग्रीन और एक रेडिश, जिसके अंदर आपको सही जवाब पर ग्रीन बॉल उठाना है और गलत जवाब पर रेड बॉल उठाना है। आपके राइट हैंड में ग्रीन है और आपके लेफ्ट हैंड में रेड बॉल है, और आप जो बच्चे हैं आप उठाएंगे अपनी फिंगर, सही जवाब के लिए राइट फिंगर, गलत जवाब के लिए लेफ्ट फिंगर। पहला सवाल, कभी कभी ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने किसी फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा, राइट या रॉन्ग? बिल्कुल सही, राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सारे के सारे फरिश्ते सेम होते हैं, सेम, कोई फर्क नहीं होता है, सही गलत? गलत। बिल्कुल सही जवाब, गलत। तीसरा सवाल, अल्लाह ताला ने टोटल 10,000 फरिश्ते बनाए हैं, सही है गलत? गलत। सही गलत? गलत। सही है गलत? गलत। कितने 10,000 कितने बनाए हैं? गलत। गलत ही। क्यों गलत है? अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्ते बनाए, बेशुमार है। कैसे पता चला? आसमान में हर बालिश बालिश में फरिश्ता सजदा कर रहा है, बैतुल मामून पे 70,000 फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये 10,000 तो बहुत कम हुआ, गलत जवाब है ये, आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं। अगला सवाल, जिस तरह से काबा दुनिया में है ऐसा ही सेम एक काबा ऊपर भी है, सही गलत? गलत। सही है गलत? गलत। हाँ, आप दोनों उठा रहे हैं सही है गलत? गलत। तो सही जवाब क्या है? गलत। ये तो गलत है, बिल्कुल सही। सही जवाब क्या है, कौन बताएगा? ऊपर तो बैतुल, उसका नाम क्या है? बैतुल मामूर, मामूर। बैतुल मामूर। एक दिन में कितने वहां पे फरिश्ते जाते हैं? 70,000। वेरी गुड। अगला सवाल, फरिश्तों के पास विंग्स होते हैं, सही जवाब। अगला सवाल, कब्र में जब हम जाएंगे वहां पर दो फरिश्ते आने वाले हैं जिनका नाम है हारूत और मारूत, रॉन्ग। बिल्कुल सही, रॉन्ग आंसर। क्या है सही जवाब? मुनकर नकीर। अगला सवाल, फरिश्ते फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स, रॉन्ग। सही गलत? गलत। क्यों गलत? किसी को नहीं पता है, बल्कि हमें ये बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ने अलग बनाया। नेक्स्ट, अगला सवाल, फरिश्तों को खजूर सबसे ज्यादा पसंद है, खाते नहीं उन लोग, उन लोग कुछ भी नहीं खाते, खाते ही नहीं है वो लोग, अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया उनको। अगला सवाल, जहन्नम की आग में सजा देने के लिए टोटल 35 फरिश्ते हैं, कितने हैं अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए? 19। जहन्नम की आग पर अलैहा 19, कुरान की आयत है सूरह मुद्दसर की, 19 फरिश्ते हैं। 19। अगला सवाल, जब मौत का वक्त आता है, मरने के बाद में मलकुल मौत आते हैं, रॉन्ग। सही। सही, मरने के बाद में आते हैं, रॉन्ग के सही? सही। रॉन्ग के सही? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? वो तो जान निकालते हैं, तो मरने से पहले आते हैं। इसी के साथ हमारे आज के सवाल खत्म होते हैं, हमने बहुत सारी अहम बातें देखी, यहाँ पर हमारा फरिश्तों का मौजू कंप्लीट हो रहा है। हम सब जो दुनिया में जी रहे हैं, अगर हम लोग इस एहसास के साथ जिएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के लिए बनाया है, अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने इतने सारे फरिश्तों को बनाया, जो इतनी बड़ी ज़मीन और आसमान को बना सकता है जिसे हम देख सकते हैं, उसके लिए फरिश्तों को बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन सही बात तो यह है कि अल्लाह ताला का कंट्रोल चल रहा है आसमान और ज़मीन में, इंसानों का रियली कंट्रोल नहीं है। थोड़ी सी ज़मीन हिल जाती है, थोड़ा सा सुनामी आ जाता है, थोड़ा सा तूफान आ जाता है, हमारे शहर की कोई हैसियत नहीं है, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की कोई हैसियत नहीं है, हमारी स्पेस क्राफ्ट की कोई हैसियत नहीं है। जो चल रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है।
अल्लाह है जो चलाने वाला है। समझदारी इसी में है कि आप बच्चे हो या आप बड़े हो, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर कर दो, इसी तरह से जिंदगी गुजारो। समझदारी की चीज है ये, ताकि जब मौत का वक्त आए तो फरिश्ते आपसे कहे कि खुशखबरी है जन्नत की, खुशखबरी है जन्नत की। अल्लाह तखाफु वला तहजनु, फिक्र मत करो, गम भी मत करना। वाबशिरु बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारे लिए खुशखबरी है जन्नत की जिसका तुम्हें वादा किया गया था। वही चीज चाहिए, वही मकसद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको जिंदगी के मकसद को पहचान कर सही जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। इस दुनिया से जब हम जाएं तो कामयाब होकर जाएं, जलील होकर ना जाएं, ह्यूमिलिएटेड होकर ना जाएं, बल्कि कामयाबी के साथ और इज्जत के साथ जाएं इस दुनिया से। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, पिछले एपिसोड्स ऐप में अवेलेबल है, जरूर डाउनलोड करिए आईप्लस टीवी ऐप। जज़ाकअल्लाह खैर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।